तो आज की हमारी इस क्लास में सिद्धार्थ जी के साथ हम बात कर रहे हैं एक्सेल के बारे में, और एक्सेल में बात करेंगे एप्लीकेशन की सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कैसे करना। अब बात आती है कि हम चेंज क्यों करेंगे। देखिए कुछ कुछ ऐसे काम है जो कि डिफॉल्ट, देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी भी सेटिंग्स जो है, जितने भी चेंजिंग्स है उसने सेट करके दिए हैं, लेकिन ग्लोबली उन्होंने सेट किया हुआ है। हमें कुछ कुछ सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने एक्सेल ऑप्शन पे गए तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल की सेटिंग्स है, छेड़छाड़ करोगे तो एक्सेल को रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा आपको, इसलिए जो ज़रूरत है वही जानिए। सबसे पहले आप दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन टिप्स स्टाइल दिख रहा है आपको सर। तो क्या होता है कि आप किसी भी कर्सर के ऊपर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर रखते हैं तो उसका यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आ जाता है। आ गया? आ गया। तो जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो एक चीज डिसेबल कर देते थे, एक चीज डिसेबल क्यों करते थे, ताकि सामने वाला पर्सन जो है तुक्का ना लगा सके। या और भी चीजें होती है इसमें कि जब हम इस पर कर्सर रख के ये करते हैं, प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, इसकी फोटो लेते हैं, तो पीछे के एरिया हाइडेड हो जाता है, तो कई सारे केसेस में। तो यहाँ से आप डोंट शो स्क्रीन कर, स्क्रीन टिप्स कर सकते हैं। डोंट शो कर देंगे तो शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी एक नई एक्सेल आप लेते हैं तो आपकी एक्सेल की डिफॉल्ट फॉन्ट जो है यहाँ पे कैलिवरी दिख रहा है, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज यहाँ 11 दिख रहा है, क्या सर? Yes. तो ये चीजें यहाँ से सेट होती है। आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर एरियल लेना चाहता हूँ या एक एरियल ब्लैंक लेना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर फॉन्ट लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर फॉन्ट को सेलेक्ट कर लें, साइज को सेलेक्ट कर लें, व्यू को कर लें, और अब जब भी नई फाइल आप ओपन करें तो कितने नंबर ऑफ फाइल, नंबर ऑफ शीट्स, फाइल नंबर फाइल के अंदर शीट्स के नंबर ऑफ शीट्स कितने हो, फाइल के अंदर कितने शीट्स ऑलरेडी इंसर्टेड हो, बाय डिफॉल्ट एक है या तीन होता है, अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। हेलो ओके, अब बात करते हैं ऑथर नेम की। जैसे कि अगर किसी ने फाइल में जैसे डेटा वर्ड है, मैं जानना चाहता हूँ कि डेटा वर्ड के बनाया किसने, जैसे इस पर कर्सर रखें मैं इसका ऑथर नेम दिख गया सुजीत कुमार, राइट राइट। तो ये ऑथर नेम यहाँ सेट किया जाता है। डिफॉल्ट आपका जो लॉगिन होता है ना, जो आपकी लॉगिन होती है उसको सेट होता है, जैसे कि जो आपका एडमिट का पासवर्ड होता है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना सर, जिससे आप लॉगिन करते हैं वो सेट होता है। लेकिन कंपनी में कभी कभी क्या होता है, आपका एग्जैक्ट नाम नहीं होता, यूजर 123 या कुछ इस तरह के नंबर्स में होते हैं, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे IPT एक्सेल स्कूल कर देता, ठीक है ओके। उसके बाद ये आपकी ऑफिस की थीम है, जैसे मैंने यहाँ पे कलरफुल है, अगर मैं भी डार्क ग्रे लेके ओके कर देता हूँ तो मेरा एक्सेल पूरा डार्क ग्रे हो जाता है, ओके ठीक है। ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. अब किसी को मैं क्लास दे रहा था तो उन्होंने बोला सर आपका एक्सेल दूसरा है, मेरा एक्सेल दूसरा है। हमने कौन सा वर्जन, नहीं मेरे पास भी 2019 है बट मेरा दूसरा 19 है। हमने बोले माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशल आपके लिए बनाया है क्या? बोला नहीं सर मेरा पूरा ब्लैक ब्लैक है, आपका तो कलरफुल आ रहा है, आपके यहाँ से थीम चेंज कर लीजिए, आपका थीम ब्लैक हो गया है, कलरफुल कर दीजिए, कलरफुल हो जाएगा, ओके ओके। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने थीम। उसके बाद फॉर्मूला में आते हैं, तो अगर यहाँ पे किसी ने क्लिक कर दिया तो जो ABCD दिख रहा है ना सर, ये 1 2 3 हो जाएगा, मतलब कि रो भी 1 2 3 में, कॉलम भी 1 2 3 में, और किसी कर्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाओगा R7C5, मतलब कि रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 5। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं होती यूज करना, इसलिए इसको हटा देते हैं।
उसके बाद एक चीज़ और आती है, जब भी आप कुछ गलत लिखते हो, जैसे ऐप कोई फॉर्मूला हो गया या नॉर्मल टाइप करते समय कुछ आपने गलत लिख दिया जो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको इस तरह का ए आएगा, फीड बॉक्सेज आएंगे। जिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कीम टिप्स होगा जो कि बताएगा कि नंबर द नंबर स्टोर्ड इन सेल सेल फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट, नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, यहाँ कन्वर्ट नंबर करेंगे या फिर इसको आप इग्नोर एरर कर सकते हैं तो हट जाएगा। लेकिन सिर्फ यही पे हटेगा, फिर कहीं और आपने टाइप किया या कुछ और एरर आया तो फिर वापस दिखेगा। मैं चाहता हूँ दिखे ही ना, तो एक्सेल ऑप्शन में यहाँ फॉर्मूला में यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफिंग में आते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। जैसे मैं एक्सेल पे यहाँ डी एल लिखूंगा न्यू दिल्ली हो जाएगा, यहाँ मैं एम एस लिखूंगा तो मंथली सेल्स रिपोर्ट आ जाएगा। आ गया सर। तो ये शॉर्टकट हमने कैसे बनाया, तो एक्सेल ऑप्शंस में हमने प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट में यहाँ हमने बनाया। जैसे मैंने यहाँ पे डी एस लिखता हूँ, डी एस, और यहाँ पे हमने कर दिया डेली सेल्स रिपोर्ट और आपने ऐड करके ओके कर दिया। अब किसी भी एक्सेल फाइल में जाके मैं कैप्स के अंदर डी एस लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है सर? यस, डेली सेल्स रिपोर्ट आपके यहाँ दिख जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट आप बना सकते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस या किसी ऐसे वर्ड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल चीजें हैं, सेव, डिफॉल्ट में आप सेव का कौन सा फाइल होना चाहिए, आपका डिफॉल्ट लोकेशन और क्या होना चाहिए। जब भी आप कंट्रोल एस करते हैं तो ऊपर आपको लोकेशन में माई डॉक्यूमेंट दिखता है ना? यस। आप उस माई डॉक्यूमेंट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, राइट? ओके। उसके बाद लैंग्वेज वो नॉर्मल है, इसमें कुछ चेंज नहीं, इजी एक्सेस में कुछ चेंज नहीं। एडवांस, एडवांस में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि एंटर प्रेस करते हैं आप तो कर्सर आपका डाउन जाता है ना, ये नीचे आता है ना सर, ये वाला क्या सर? यस। यहाँ पे अगर अनचेक करते हैं तो कर्सर आपका कहीं भी मूव नहीं होगा। जब मैं इस पर क्लिक किया और मैं डाउन की जगह पे लेफ्ट कर दूँ, राइट कर दूँ, लेफ्ट कर दूँ, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका मूव होगा। उसी तरह से मैं इसको अनचेक कर दूँ तो मैं ड्रैग नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मैंने इसको अनचेक कर दिया तो जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ये वाली वर्टिकल है, वर्टिकल वाली ये आपके स्क्रॉल बार यहाँ से हट जाएगी। उसी तरीके से यहाँ अगर मैंने इस पर सीट टैब पे क्लिक कर दिया, यहाँ इसको हटा दिया तो सीट के नेम नहीं दिखेंगे। ठीक है सर? ऐसे मैं यहाँ पे शो फार्मूला बार हटा दिया तो जो फार्मूला बार है वो शो नहीं करेगा। ऐसे सीट सिक्स में अगर मैंने यहाँ पे इसको अनचेक किया तो रो एंड कॉलम का जो हेडिंग है, जो ए बी सी डी वन टू थ्री दिखता है, रो नंबर कॉलम नंबर, वो हट जाएगा, नहीं दिखेगा। उस तरह से मैंने इसको अनचेक कर दिया तो जीरो शो नहीं करेगा, जीरो टाइप करेगा जीरो शो नहीं करेगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो जाएगा इसको क्लिक करेंगे तो, मतलब जो यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ शुरू हो रहा है ना वो यहाँ शुरू होगा। सीट नेम आपको यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, ये छोटे मोटे चेंजिंग है। इसमें एक कस्ट एडिट कस्टम लिस्ट है, ये थोड़ा सा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है चलिए बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जैन लिखेंगे या जनवरी लिखेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो जैन फैब या जनवरी फरवरी आपको आ जाएगा। ऐसे आप संडे एस यू एन या संडे मंडे पूरा लिखते हैं, नीचे ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे आ जाता है। तो क्या मैं पूजा लिखूँ और नीचे ड्रैग करूँ तो क्या होगा? अब आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा 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 आएगा, बट मेरे सिस्टम में नेम आया। क्यों? क्योंकि मैंने एक लिस्ट का लिस्ट तैयार कर रखा है। लिस्ट तैयार कहाँ से होता है? तो फाइल के ऑप्शंस के अंदर में, ठीक है, कहाँ? एडवांस में। एडवांस में जब आएंगे आप यहाँ पे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि एडिट कस्टम लिस्ट में। अब यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट बना रखा है, देख रहे हैं आपको, पूजा नेम सिटी। अच्छा मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट बना देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना देता हूँ एक्सेल
VBA, Access, SQL, BI, Tableau. Dash. और फिर मैं यहां से ऐड कर एंड हमें कहीं भी मान लीजिए मैंने यहां पे SQL लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया तो बाकी सब्जेक्ट का डिमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप भी आपके पास भी ऐसा लिस्ट हो, टीम लिस्ट, मेंबर लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, सिटी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, जो बार बार आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालते हो या टाइप करते हो, उस लिस्ट को आप यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है सर? यस। उसके बाद कस्टमाइज रिबन है, ये जो आपके मेनू बार है ना सर, होम, फायर वगैरह, आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो। चाहते हो कोई मेनू बार ना दे, भी ड्रॉ पे मैंने हटा रखा था, ड्रॉ नहीं दिख रहा है, ड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख जाएगा। उसी तरह से यह एक्सेल ऑप्शन में कस्टमाइजेशन में, अब इसमें क्या है कि अगर इसको पॉप शॉर्ट करें, नॉट कमांड इन द रिवन, इतने सारे जो फीचर्स दिख रहे हैं ना ये आपके रिवन में अवेलेबल नहीं, तो आप क्लिक करके यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी ऐड करने पे ऐड नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्रिएट करके फिर ऐड करना होगा। ऐसे ग्रुप किया हमने और इसमें मैं रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया? Yes. तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो आप पूरी की पूरी एक मेनू बार को क्रिएट कर सकते हो या कुछ ऑप्शंस किसी और मेनू बार में ऐड कर सकते हो, कुछ नए ऑप्शंस जो है मेनू बार में ऐड कर सकते हो। राइट राइट। उसके बाद इसी तरह से एक्सेल ऑप्शंस पे बाकी सेटिंग्स है। अब यहाँ कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार है जो ऊपर दिख रहा है ना सर आपको, सेव, ऑनडो, रिडो, यहाँ पे कोई ऐसे ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन जो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, जैसे बॉर्डर है, फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट है, कुछ भी वैल्यू को यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने मतलब कि आप बॉर्डर लगाने के लिए मुझे हमेशा इसमें नहीं जाना होगा, मैं यहीं से बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ, होम में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर? यस। तो ये हमारी फाइल मेनू बार की क्लासेस थी, छोटे छोटे चीजें थे, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉर्मल है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार खुद से अप्लाई करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है? Yes. सॉरी, या आता एड इंस, एड इन सभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बता दूं आपको क्या होता है एडिस। जैसे कि बाहर से कुछ आप बनवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ काम है, आपने बोला किसी अपने फ्रेंड, अपने प्रोग्रामर फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए एक टूल्स क्रिएट कर दो एक्सेल में, तो उन्होंने आपके लिए एक्सेल का टूल्स क्रिएट कर दिया, राइट? Yes. अब वो जो टूल्स है वो आप अपने एक्सेल में ऐड कैसे करोगे, वो आपके एडिन से होता है। आपको एडिन पे क्लिक करना है, गो पे जाना है, ब्राउज करके उस एडिंस को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है, वो एडिंस आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंस के लिए यूज किया जाता है। तो फाइल मेनू बार में बाकी ऑप्शंस को एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें भी अपने ऑप्शंस को एक बार देख लीजिएगा, कोई अगर ऐसा लगे कि आपको इनको यूजफुल है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूँगा, लेकिन जनरली जितना यूज करते हैं हमने आपको चीज़ें समझा दी, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे तो आगे चल के आपको काम करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है सिद्धार्थ जी? Yes. अब हम बात करते हैं होम मेनू बार में। अब मेनू बार को हम समझते हैं कि मेनू बार क्या है।
देखिए आपके जितने भी ऑप्शंस हैं मेनू के हिसाब से कैटराइज किए गए हैं। तो होम में जब आते हैं तो होम में आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन मोस्ट इम्पोर्टेंट में मोस्ट यूजफुल या मोस्ट यूजिंग कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, इसकी फॉर्मेटिंग मोस्टली कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेटिंग से सॉर्टिंग है, फिल्टर है, बस ये चीज़ आपके पास है जो जनरली हम हर दिन यूज करते हैं। इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में ऐसे ऑप्शन है जो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिवट इंसर्ट करना या पिक्चर्स इंसर्ट करना या सैप इंसर्ट करना या चार्ट इंसर्ट करना, जो इंसर्ट को यूज करता है वो इंसर्ट में आता है। ड्रॉ तो आपका पता ही ड्रॉ होता है, उसके बाद पेज लेआउट में पेज की सेटिंग से रिलेटेड जैसे कि प्रिंट व्यू करना, उसकी आपकी उसकी बैकग्राउंड वगैरह सेट करना, हिडन फुटर सेट करना, वो चीज़ें यहाँ आपको पेज गार्ड में आता है। फॉर्मूला में फॉर्मूला से रिलेटेड तो सिंपल है, जो भी फॉर्मूले से रिलेटेड आएंगे। डेटा मेनू बार में आता है डेटा से, जैसे डेटा को कनेक्टिविटीज करना, डेटा वैलिडेशन या रिमूव डेटा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको आता है। रिव्यू में आता है प्रूफ रीड से, जैसे स्पेलिंग चेक करना, ट्रांसलेट करना, कमेंट डालना, तो प्रूफ रीड से आता है। व्यू में विजुअल से, जैसे जूम करना, जूम आउट करना, फ्रीज करना, ये चीज़ें आपको इसमें आती है। डेवलपर टैब जो आपको दिख रहा है ये आपके सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सेल ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन से लाना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। तो डेवलपर में क्या होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग को डेडिकेट किया जाता है। जी हाँ, माइक्रो प्रोग्रामिंग, जैसे कोई बटन्स वगैरह चाहिए यहाँ आता है, कोई माइक्रो वगैरह हैंडल करना है तो चीज़ें यहाँ से यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है? यस। तो अब जो है हमने फाइल मेनू बार को कंप्लीट करके हम होम मेनू बार पे चले आए, और होम मेनू बार हम अगली क्लास से शुरू करेंगे।